माँ का दिल क्या होता है? माँ का दिल दोस्तों वो होता है जब वो अपने बच्चों को दुख में तकलीफ में देखती है तो वो भी कहरा उठती है, वो भी चिल्ला उठती है, वो भी दर्द से झुंझुना जाती है। और ऐसा ही कुछ रुबीना दिलाई की माता जी का हाल है। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, जहां पूरे भारतवर्ष ने दिवाली को धूमधाम से बनाया, जहां पर बिग बॉस के घर के अंदर दिवाली धूमधाम से मनी गई दोस्तों, टास्क धूमधाम से किए गए, घर से आए हुए सामान जो हैं कंटेंडर्स को मिले, उनको एक इमोशनल कनेक्ट मिला, उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिला। वहीं रुबीना और अभिनव को पिंजरे में कैद करके रख दिया गया, वहीं रुबीना और अभिनव को एक इतना सा मौका नहीं दिया गया कि वो बाहर आकर दिवाली को सेलिब्रेट कर सकें। अब ऐसे में इसी बात, इनफैक्ट अगर बात करें रुबीना को तो ट्रैक सूट में ही बिठा दिया गया और अभिनव को वैसे घर के कपड़ों में। अब ऐसे में दोस्तों शकुंतला दिलाई जो कि रुबीना की माता जी हैं, वो सोशल मीडिया पे अपना इमोशनल पोस्ट करती हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, बिकॉज शी इज रियली सैड। वो कहती हैं कि बीइंग अ मदर इट रियली मेड मी सैड दैट रुबीना एंड अभिनव कुड नॉट सेलिब्रेट देयर दिवाली, ऑलरेडी दे आर फार फ्रॉम अस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे कुडंट इवन सेलिब्रेट। और उन्होंने ना वो जो रुआसी शक्ल वाला इमोजी होता है वो डाला है। वो कहती हैं दोस्तों, मैं हिंदी में बता देता हूं, रुबीना की माता जी कहती हैं कि ये देख के मैं बहुत ज्यादा दुख से भर गई जब रुबीना और अभिनव को दिवाली सेलिब्रेट नहीं करने दी गई। और साथ ही साथ ये भी बात है कि एक तो वो हमसे दूर है, ऊपर से उनका ये हश्र और उनको दिवाली तक नहीं सेलिब्रेट करने दिया जा रहा, ये क्या है। सो रुबीना की माता जी शकुंतला जी जो हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा अपसेट है और एक माँ का दिल रोया है। आपको बताता हूं दोस्तों कि जब जब माँ का दिल रोता है ना तब तक बच्चे के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है और ऐसे में रुबीना को भरपूर सपोर्ट मिलेगा, अभिनव को भरपूर सपोर्ट मिलेगा और चाहे जितनी भी कोशिश है, जितने भी जतन हो रहे हैं इस तरीके से इस तरीके से उनको उनको फुटेज ना देने की, उनको इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करने की, कहीं ना कहीं जनता उसका हिसाब चुकाएगी। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में बिंदास बताइए। दिवाली के इस पावन मौके पर क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी आजाद करना चाहिए था, उनका भी हक था वो टास्क खेलना वो चक्री वाला, या उनका भी हक था इस तरीके से जो घर से सामान आए हैं उस पर खेलना, उनको कॉम्पीट करना और लोगों के साथ। सो बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में, बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज।